से कम वहां काटा होगा ना सब, मरड़ा मरड़ा पाटे, फिर उन्होंने लाशें उठा उठा के फेंक दिया, कुआ एक था कुआ में डाल के तरफ दिया, वहां मैदान में सबको मारा। और हमने 7 बजे फोन करके गृह मंत्री को बता दिया था और जयदीप भाई को भी बता दिया था कि इतने लोग मरे हैं, आप संभाल लेना। इन्होंने बच्चों को औरतों को कायदे से काटा है, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो बच्चे हो कुछ भी हो, काटने से कुछ मारो काटो जलाना। कैसा लगता है जब मारते हैं, मजा आता है ना सब। उसको मार के आए घर पे सो गए, मतलब ऐसा हो रहा था कि आज कुछ राणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने कुछ किया, उस टाइम बातें सुनते दाज कर दिया। इस वीडियो में मुसलमानों को कत्ल करने की बात कबूल करने वाला ये शख्स बाबू भाई पटेल उर्फ बाबू बजरंगी है, जिस पर 2002 के गुजरात दंगों के दौरान नरोदा पार्टी और नरोदा गांव में हिंसा भड़काने का आरोप लगा था, मगर अब इसे अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। नरोदा गांव में 11 मुसलमानों को जलाकर हत्या करने के आरोप में बाबू बजरंगी समेत पूर्व विधायक माया कोडनानी और सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। क्या था नरोदा गांव का मामला, कौन लोग इसमें आरोपी थे, और अब जब सब आरोपी बरी कर दिए गए हैं तो मुसलमानों की हत्या की किसने थी, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज न्यूज क्लिक डिकोड्स के इस वीडियो में। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार 50 रुपए और महंगा, बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। 28 फरवरी 2002, गुजरात के अहमदाबाद का नरोडा गांव इलाका, शहर में दंगे भड़के हुए थे और इस मुस्लिम बहुल इलाके तक भी दंगाइयों की भीड़ पहुंच गई थी। इस मोहल्ले में भी आग लगाकर 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी। यहीं से थोड़ी दूर पर था नरोदा पाटिया का इलाका, जहां हिंदुत्ववादी भीड़ ने 97 लोगों की हत्या की थी। नरोदा गांव के मामले में कुल 86 लोगों को दोषी मानकर मुकदमा चलाया गया था। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। मरहूम शायर राहत इंदौरी का ये शेर अहमदाबाद की स्पेशल कोर्ट में उस वक्त जिंदा हो गया जब इन सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री माया कोडनानी, विश्व हिंदू परिषद नेता जयदीप पटेल और बजरंग दल के पूर्व सदस्य बाबू बजरंगी को इस मामले में बरी किया गया है। 86 में से 18 आरोपियों की इस दौरान मौत हो गई थी और एक को पहले बरी कर दिया गया था। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान 9 मुख्य जगहों पर दंगे हुए थे। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें करीब 800 मुसलमान थे। गोधरा में 27 फरवरी को एक ट्रेन में आग लगने से 59 कार सेवकों की मौत के बाद विश्व हिंदू परिषद ने गुजरात बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद पूरे राज्य में मुसलमानों के इलाकों में हिंदुत्ववादी भीड़ ने हमले किए, बच्चों बूढ़ों की हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार किए थे। नरोदा गांव के मामले में डे टू डे ट्रायल की बात कही गई थी, मगर फैसला आया 13 सालों बाद, और ऐसा फैसला आया जिसने हिंसा के पीड़ितों को निराश किया है। नरोदा गांव मामले में क्या क्या कार्यवाही हुई। 2002 दंगों के बाद गठित की गई SIT ने तत्कालीन विधायक माया कोडनानी, जिन्हें बाद में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बना दिया गया था, VHP के नेता जयदीप पटेल, बाबू बजरंगी और नरोडा थाने के इंस्पेक्टर VS गोहिल को दोषी माना गया था। मामले की सुनवाई 2009 से शुरू हुई थी। 182 गवाहों के बयान लिए गए थे, जिसके बाद 5 अप्रैल 2023 को जस्टिस SK बख्शी ने सुनवाई पूरी की थी। नानावती कमीशन की रिपोर्ट ने यह भी माना था कि पीड़ितों की मदद करने के लिए पुलिस मौजूद नहीं थी, वो शाम को वहां पहुंची थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि मौके पर मौजूद जनता और पुलिस ने यह भी बताया है कि VHP नेताओं ने उकसाने पर ही दंगे भड़के थे। 2009 में शुरू हुई सुनवाई में आरोपियों की तरफ से कई बार अपील दायर की गई, कई जज और वकील बदले गए, कोर्ट ने एक से ज्यादा बार आरोपियों पर मामले को लंबा खींचने और कानून का नाजायज इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। जिन आरोपियों को 20 अप्रैल को बरी किया गया है, उन पर हत्या, लूटपाट, आगजनी, दंगे के लिए उकसाने, आर्म्स एक्ट और IPC की कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा था। हमने जो वीडियो आपको शुरू में दिखाई है, वो तहलका TV का एक स्टिंग ऑपरेशन था, जो 2007-08 में एक खुफिया कैमरे से किया गया था। इस स्टिंग में बाबू बजरंगी समेत कई हिंदुत्ववादी नेताओं ने दंगे में शामिल होने, मुसलमानों के कत्ल करने की बात कबूली थी। कोर्ट के इस फैसले की आलोचना की जा रही है, विपक्षी नेताओं वकीलों ने इसे अन्याय बताया है। ये पहला मामला नहीं है जब गुजरात दंगों से जुड़े केस में कोई विवादित फैसला आया हो। पिछले साल अगस्त में बिलकीस बानो के परिवार की हत्या करने, बलात्कार करने के 11 आरोपियों को गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था। वीडियो में जुर्म कबूल करने के बावजूद बाबू बजरंगी की रिहाई क्यों हुई, अगर इन लोगों ने हत्या नहीं की तो किसने की, ये सब जानने समझने के लिए हमने इस मामले के चश्मदीद मोहम्मद शरीफ मलिक से बात की है। तो सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा
जुडिशरी को भी जवाब देना पड़ेगा कि इस तरीके से आप फैसला कैसे दे सकते हो, क्योंकि हमने जब हमारा रिटर्न आर्ग्यूमेंट फाइल किया था वही 700 पेज का था, हमने क्लियरली उसमें कौन से अपराधी का क्या रोल था, उसके हाथ में क्या था, कौन सी जगह पर था, उसने क्या क्या किया है, ऐसा सभी लोगों ने कहा। और 100 से ज्यादा विटनेस, ये पहला ऐसा केस है जो गुजरात के इतने सारे दंगों के केस हुए उसमें नरोड़ा गांव का केस ऐसा है तो उसमें एक सिंगल विटनेस हॉस्टाइल नहीं, यानी सबने जुबानी अच्छा दिया है। और 2018 में सभी लोगों का जुबानी वाली सारी प्रक्रियाएं खत्म हो गई, तो अगर जजमेंट देना ही होता तो 2018-19 में भी दे सकते थे, मगर इसको लंबा खींचते खींचते खींचते, क्योंकि शायद अब आने वाले 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसका ये जजमेंट अभी दिया है। और ये जजमेंट तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर में दिया हुआ जजमेंट है। और इससे दो चीज होगी कि जो हमारे जो देश की जो लोकशाही है उसके जो मुख्य आधार है जिसमें से एक है न्यायपालिका, तो न्यायपालिका को कमजोर करने वाला ये जजमेंट है। और ये सिर्फ एक नरोड़ा गांव के या तो 2002 के दंगों का केस, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे कभी भी कोई भी केस होते हैं और इस तरीके के केसों में अगर क्लीन चिट मिलता है तो उससे एक क्लियरली मैसेज जाता है कि आप दंगा करो कुछ भी करो सरकार आपके साथ। तो यानी हमने देखा है, उनका रोल देखा है, हमने बताया है, कोर्ट में आइडेंटिफाइड किया है, ये सारा हुआ है। मगर जब आपको एक तरफ से पिछले दरवाजे से अगर आपको सरकार की मशीनरी सपोर्ट करती है तो फिर इस तरीके का जजमेंट आएगा। हमें उम्मीद तो थी कि यानी हम अपेक्षित थे कि ऐसा ही कुछ जजमेंट आएगा कि ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया जाएगा और बहुत कम लोगों को सजा होगी, शायद 5 या 10 लोगों को या 20 लोगों को, ऐसी हम लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि अपेक्षा ऐसी थी अभी का वर्तमान राजकीय परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन जो जजमेंट आया है वो तो उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था और सभी लोगों को बरी कर दिया गया है। माया कोडनानी को नरोड़ा पाटिया मामले में 28 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2018 में उन्हें इस मामले में भी बरी कर दिया गया था। उनके समर्थन में गवाही देने पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कहा था कि माया को उस दिन उन्होंने देखा था। हालांकि तहलका के स्टिंग में वीएचपी नेताओं ने कहा था कि माया उस पूरे दिन नरोड़ा में ही थी। कोर्ट के फैसले के बाद जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे कोर्ट के बाहर लगाए गए हैं। गुजरात की 2002 की हिंसा में कई लोगों पर आरोप लगे थे, कई सबूत और बयान आज भी आपको सुनने को मिल जाएंगे, मगर अदालतों की कार्यवाही को देखें तो धीरे धीरे सभी आरोपी दोष मुक्त हो रहे हैं। हाल ही में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी जिसने दंगों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिम्मेदार बताया था, मगर नरेंद्र मोदी को इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत में प्रतिबंधित है। नरोड़ा गांव में मारे गए लोगों में एक 10 साल की बच्ची भी थी। कोर्ट के फैसले के बाद हिंसा पीड़ित यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उन 11 लोगों की हत्या, उनके घरों में लूटपाट किसी ने नहीं की थी। देखने के लिए शुक्रिया।